Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I hope you all are doing well. So, आज बेटा मैं escape speed को discuss करने वाला So, I am not going to derive it because at this point of level, we don't need to derive it. So, what are the basic things which we need to understand regarding this escape speed? Those things will be discussed here. So, पहले escape speed, you know, suppose you have any planet like Earth. And suppose you are imparting certain energy to the object and the minimum kinetic energy or the minimum speed required for this object so that it would escape the Earth's gravitational field is known as escape speed. Aap object ko kam se kam kitni speed de doge taki wo us Earth's field se kya ho jaye? Escape. Known as escape speed. Is that clear? और escape speed जो है अगर basic formula देखी जाए it is equal to square root of twice g m divided by r. It means जिस planet पे आप escape speed देखना चाहते हो तो वहां कितनी escape speed की requirement है वहां पर object को कितनी minimum speed देनी है ताकि वो उस planet के field को escape कर सके तो वहां वो एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड करता है मास ऑफ दैट प्लेनेट वो एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट जैसे आप जुपिटर पे हो नाउ आप ऑब्जेक्ट को जुपिटर से एस्केप करना चाहते हो देन एस्केप स्पीड नियर द जुपिटर सरफेस विल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द जुपिटर रेडियस ऑफ द जुपिटर बट दिस एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मास पे बेटा डिपेंड नहीं करता है चाहे आप बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट दोनों को अर्थ सरफेस के नजदीक अगर आपने दोनों को थ्रो किया तो आपको दोनों को सेम स्पीड इंपार्ट करनी है मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट सेम है ताकि वो दोनों फील्ड को एस्केप कर सके इज दैट क्लियर नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस एस्केप स्पीड इज दैट कि ये जो एस्केप स्पीड है हम इसको डेंसिटी में भी लिख सकते हैं कैसे लिखोगे रूट ऑफ ट्वाइस जी डिवाइडेड बाय आर ये ऐसे रखो मास को कन्वर्ट करो डेंसिटी में मास यू कैन राइट एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड यू नो व्हेन यू टेक अर्थ एज अ परफेक्ट स्फीयर देन इट विल बी लाइक दिस टू जी बाय आर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी फोर बाय थ्री पाई R cube into rho. This R and this will cancel. तो बताओ यहां escape speed और radius में यहां क्या relation निकली? Directly proportional to R क्योंकि R square का root हो गया R. तो that means अगर दो planets की density same है, तो किस planet पे escape speed ज्यादा होगी? जिस planet का radius ज्यादा है. ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आता है अच्छा जिस प्लेनेट की डेंसिटी ज्यादा होगी उस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड भी ज्यादा होगी तो ऐसे हम बता सकते हैं दो प्लेनेट्स अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो मान लो इसका रेडियस आर वन है इसका रेडियस आर टू है एंड सपोज आर वन इज ग्रेटर देन आर टू तो क्या होगा किस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड ज्यादा होगी वी वन पहले प्लेनेट पे ज्यादा एस्केप स्पीड होगी सो व्हेन टू प्लेनेट्स आर पोजेस सेम डेंसिटीज देन व्हिच वन ऑफ देम विल हैव मोर एस्केप स्पीड रिक्वायरमेंट द वन हुज रेडियस इज मोर क्योंकि यहां पर रिलेशन डायरेक्ट आ गई जब डेंसिटी में आपने लिखा यहां पर वरना ये इनवर्स फॉर्म में है अच्छा ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है ये जो एस्केप स्पीड है आपने देखा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओके और एक चीज जिस पे ये डिपेंड नहीं करता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट प्रोजेक्शन आप चाहे 30 डिग्री पे इसको थ्रो करो 60 पे थ्रो करो सेम स्पीड रिक्वायरमेंट सो एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड यू मस्ट रिमेंबर कि डिफरेंट प्लेनेट्स विल हैव द डिफरेंट एस्केप स्पीड एक एंट्रेंस में अक्सर क्वेश्चन आता है मून हैज नो एटमॉस्फेयर व्हाई मून पे क्यों नहीं एटमॉस्फेयर है देखो वहां पे क्या मसला है बेटा
वहां पर देखो अर्थ पे एटमॉस्फेयर तब रहता है जो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। अब मुझे बताओ मैं कैसे यहां पे हूं, मैं अर्थ के फील्ड से क्यों एस्केप नहीं कर रहा हूं, या यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं वो अर्थ के फील्ड को एस्केप क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है दैट इज लेस देन एस्केप। Is that clear? So, जो भी ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड एस्केप स्पीड से कम हो और वो घूम रहे हो मूव कर रहे हो उस एटमोस्फियर में वो कभी भी इस एटमोस्फियर से बाहर इस प्लेनेट से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल्स का की स्पीड एक्सीड कर रही हो एस्केप स्पीड को तो फिर क्या होगा, वो सारा एटमॉस्फेयर वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स उस प्लेनेट को एस्केप करेगी। और एज फार एज द मून इज कंसर्न, मून पे जो एस्केप स्पीड का वैल्यू है दैट इज 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ का आपको पता है एस्केप स्पीड नियर द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सो इट इज क्वाइट हाई। सो मून पे देखो 2.3, एंड यू नो मून पे के पास जो एटमॉस्फेयर में मून के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 2.3। तो क्या होगा जब वहां पर वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की एस्केप से ज्यादा है तो वहां क्या होगा, वो एस्केप करेंगे ना मून को। सो व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, बिकॉज नियर द मून एस्केप द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड इज क्वाइट लो एंड ड्यू टू विच ऑल द गैस ऑलमोस्ट ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स दे एक्सीड दिस वैल्यू दे एक्सीड दिस वेलोसिटी। सो उससे क्या होता है ये आसानी से एटमॉस्फेयर को लीव आउट करते हैं। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट ब्लैक होल के बारे में। यू नो ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जो जहां पर कोई भी चीज अगर आती है वो उसको छोड़ता नहीं है। छोड़ने का मतलब क्या हुआ, वो क्यों नहीं छोड़ता है, इवन वो लाइट को भी नहीं छोड़ता है, उसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो एस्केप स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इवन वहां पर एस्केप स्पीड का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगा। मैंने अभी कहा अगर आप चाहते हो कि किसी प्लेनेट से कोई भी चीज बाहर ना जाए कोई भी चीज एस्केप ना करे तो उस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं ब्लैक होल के पास लाइट भी अगर जाती है वो उसको भी नहीं छोड़ता है, लाइट भी अगर ऐसे जाए वो उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उस प्लेनेट पे जो एस्केप स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी। तो जब एस्केप स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है तो क्या ये लाइट को छोड़ेगा, द लाइट विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ब्लैक होल। इज दैट क्लियर, तो क्या लिखोगे आप यहां पर, कंडीशन क्या है ब्लैक होल में, क्या है एस्केप स्पीड जो है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर, नाउ टेल मी एस्केप स्पीड की फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2gm बाय आर, यस ग्रेटर और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं आर भी निकाल सकता हूं, आई विल स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा 2gm बाय आर ग्रेटर और इक्वल टू सी स्क्वायर, आर को वहां ले जाओ सी स्क्वायर को यहां लाओ, 2gm बाय आर यस बाय सी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू आर। इज दैट क्लियर, तो बताओ ये जो रेडियस होगा इसका जो मैक्सिमम रेडियस होगा, यहां पे जो आर निकला वो निकला ना, या वो इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा या इसके बराबर होगा, कितना होगा 2gm by c square, g is the gravitational constant, m is the mass of the black hole, c is the speed of light। सो बताओ इस ब्लैक होल का मैक्सिमम रेडियस कितना होगा ताकि ये स्पीड ऑफ लाइट को भी एस्केप नहीं होने देगा, तो उस ब्लैक होल का रेडियस होगा बराबर 2gm by c square, it will be the maximum radius, and you know this radius is known as Schwarzschild radius, Schwarzschild radius, the maximum radius of the black hole, so that it would not escape the light also is known as Schwarzschild radius। तो इस ब्लैक होल का मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है,
2g m by c square, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर लाइट आराम से एस्केप हो सकती है, क्योंकि लाइट तो एस्केप नहीं हो रही है, इसलिए शाबाश, इसका रेडियस मैक्सिमम कितना होगा, 2gm by c square या उससे कम होगा, नोन एज श्वार्जचाइल्ड रेडियस। इज दैट क्लियर? सो एस्केप स्पीड का आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। नाउ एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एंट्रेंस में भी बहुत बार आया है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ स्पीड, ओके, वी इक्वल टू वी ई बाई टू, हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। इज दैट क्लियर? अटेन, सीधे वर्टिकली इस बॉडी को ऊपर फेंका विद स्पीड हाफ ऑफ द एस्केप। नाउ टेल मी, जब अपने बॉडी को हाफ ऑफ द एस्केप से फेंका, क्या ये बॉडी एस्केप करेगी? नहीं, ये किसी हाइट तक पहुंचेगी और बाद में वापस आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, बताओ कितना ऊपर जाएगा। सो याद रखोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बताओ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मान लो हमने फेंका है इसको, ठीक है, बताओ पहले जब पॉइंट ए था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वाज, हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? यस, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, इजंट इट? यू नो ऑन द सरफेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ देयर इज दिस, द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम बाय आर। प्लस बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी इंपार्ट की है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा बेटा ये ऊपर गया है लेकिन इसने फील्ड को एस्केप नहीं किया है, मान लो ये इस हाइट तक गया, ठीक है, इस हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई होगी, जीरो, बिकॉज इसने जब मैक्सिमम हाइट अटेन की, देन एट दैट पॉइंट इट कम्स इनटू द स्टेट ऑफ रेस्ट, then returns back, that means as it attains the maximum height, at this maximum height its kinetic energy becomes zero. So kya aayega yahan pe, kinetic energy kya likhoge aap, zero, plus bolo beta yahan potential energy, yahan pe main likhunga thoda yahan pe likhiye, is equal to yahan likhiye zero, plus bolo yahan par kitni potential energy hogi, minus g capital m small m डिवाइडेड बाई, बोलो आप डिस्टेंस कितनी है, इट इज आर प्लस एच, और यही एच हमें निकालना है। दिस एच इज विच हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई दिस ऑब्जेक्ट। चलो बताओ कैसे निकालोगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ ऑफ एम। बोलो बेटा किस स्पीड से आपने इसको सरफेस से फेंका है, वी बाई टू, तो ये नहीं आएगा वी स्क्वायर बाई फोर, शाबाश, इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच मैक्स, ओके। तो इसको वीई को वैल्यू देंगे, वी किसके बराबर होता है, प्लस हाफ ऑफ वन बाई एट लिखेंगे एम। बोलो बेटा वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वीई इज रूट ऑफ टू जी एम बाई आर, सो वीई स्क्वायर इज टू जी एम बाई आर, ओके, इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो बेटा देखो कितना सिंपल है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैंसल, ओके। यहां क्या बचा, माइनस वन बाई आर प्लस टू फोर जार एट प्लस वन बाई फोर आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर प्लस एच, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा यहां पे, 4R आर माइनस आर दैट इज 3 बाई फोर आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर प्लस एच, क्रॉस करो 3R आर आई विल फर्दर सॉल्व इट प्लस 3H इज इक्वल टू माइनस 4R, आर, ओके, 4R को यहां लाओ 7R, ओके, प्लस 3H हाँ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। तो H क्या निकला, शाबाश,
सेवन बाय थ्री टाइम्स आर। फिर से देखो बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस, शाबाश, ये माइनस फोर आर आएगा यहां पे, माइनस फोर आर प्लस इट इज माइनस थ्री बाई फोर आर, सॉरी। ओके देन हाउ मच इट विल बी, माइनस थ्री आर माइनस थ्री एच, हाँ, इज इक्वल टू माइनस फोर आर। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये माइनस थ्री कॉमन जब निकालोगे, आर प्लस एच, सॉरी माइनस थ्री आर फोर आर को यहां ला, प्लस फोर आर इज इक्वल टू थ्री एच, सो आर इज इक्वल टू थ्री एच। तो एच कितना निकला, आर बाय थ्री। तो कितनी हाइट ये अटेन करेगा, वन बाई थर्ड ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ यू नो 6400 डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री टू जार सिक्स, थ्री वन जार थ्री, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री थ्री जार नाइन। तो लगभग ये कितना ऊंचा जाएगा, 2133 किलोमीटर ऊपर जाएगा, देन इट विल रिटर्न बैक। बट वाई इट विल रिटर्न बैक, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट द स्पीड इक्वल टू एस्केप और ग्रेटर देन एस्केप, यू आर इंपार्टिंग द स्पीड लेस देन द एस्केप। उस वजह से ये कुछ हाइट अटेन करेगा, देन इट विल कम बैक। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट यूजिंग लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना, ऐसे माइंड मैप याद रखना है, एस्केप स्पीड पे क्या ऐसा भी कोई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैक्सिमम हाइट निकालो, बॉडी को किसी स्पीड से थ्रो किया है, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके सो दिस वॉज अबाउट द एस्केप स्पीड। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द एस्केप स्पीड। थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम।